नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। भारतीय टीम को 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप दिलाने वाले युवराज सिंह की किस्मत इन दिनों उन पर मेहरबान नहीं है। शायद यही वजह है कि उनको एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। पहले तो खराब प्रदर्शन के चलते उनको भारतीय टीम से बाहर बैठना पड़ रहा है, उसके बाद उनकी आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने उनको रिलीज कर दिया। कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देने वाले युवराज सिंह भी हार मानने वालों में शामिल नहीं है। वो आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी में शामिल हुए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली थी, जो मुंबई इंडियंस उन पर विश्वास न जताते। आपको बता दें कि पहले राउंड की नीलामी में युवराज सिंह को खरीदार नहीं मिला था, उसके बाद दूसरे राउंड में मुंबई ने उन पर भरोसा जताया और उनके बेस प्राइस पर ही उनको खरीद लिया। साल 2015 की आईपीएल नीलामी में 16 करोड़ जैसी भारी कीमत में बिकने वाले युवराज सिंह को इस बार 1 करोड़ ही हासिल हुए। आपको बता दें कि साल 2019 में 30 मई से आईसीसी का वनडे विश्व कप खेला जाना है, इसीलिए आईपीएल जल्दी हो सकता है। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। ऐसे में युवराज के पास एक मौका है दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह पाने का। वैसे आपको क्या लगता है कि युवराज सिंह इस बार आईपीएल में कमाल कर विश्व कप टीम में जगह बना सकते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।